कभी कभार चले जाना, हॉट एंड स्पाइसी चले जाना, ईट ऑन चले जाना, रेड एप्पल चले जाना, आई थिंक दैट वाज अ बिग पार्ट ऑफ दोस्तों के साथ आफ्टर स्कूल. कभी सिल्वर स्पून गए आप? सिल्वर स्पून गए हैं, केबीज गए हैं, केबीज की आइसक्रीम बहुत खाई है. वाओ, आई लव दिस मैन, क्या जबरदस्त. अच्छा तो क्या कोई ट्रिक होती है इसको खाने की? धागा निकाले और कुछ भी नहीं. मतलब थैंक यू अजान. दोबारा यो शेषक. अरे वाह, ये क्या बात हो रही थी. क्रश होते थे? ऑफ कोर्स होते होंगे. रोज रोज हमारी जनरेशन तक वी वर स्टिल हेड हर्ड ना कि सच्चा जो होता है ना वो बदलता नहीं है. लेकिन वो सच्चा प्यार सुबह सुबह हुआ, मतलब सुबह देखा दोपहर तक सच्चा प्यार हो गया. वो वाली चीजें ना बड़ी हुई हैं. वो कैसा लग रहा था जब पूरा सेट आपके अपने गाने का? आई थिंक इट्स द मोस्ट फन थिंग फॉर मी बिकॉज फर्स्टली इट्स वेरी, आई फील एट होम. आई हैव ग्रोन अप ऑन सेट्स. द स्मेल ऑफ लकड़ी कट रही है, यही स्मेल एक तरीके से पीटीवी में आती थी जब मैं अम्मा के साथ जाता था एज अ चाइल्ड. सो इट्स अ वेरी फैमिलियर स्मेल. सो व्हाट सॉर्ट ऑफ अ पर्सन आर यू? डर लगता है दोबारा कमिटमेंट से या यू आर द डाई हार्ड रोमांटिक एंड होपफुल सॉर्ट ऑफ अ पर्सन? आई हैव नेवर बीन समबडी हु इज एवर अफ्रेड ऑफ कमिटिंग टू एनीथिंग इफ आई एम क्लियर अबाउट, आई एम श्योर अबाउट. हां ये जरूर है कि एक्सपीरियंसेस से इंसान कोशिश करता है कि आप वही गलतियां दोबारा ना करें. आई थिंक बहुत बेवकूफाना बात होगी मेरे लिए अगर मैं कुछ फैसले उस नजर से देखूं कि पहले ये हुआ तो अब मुझे करना ही नहीं. यू कांट जस्ट से कि अब मैं दोस्ती नहीं किसी से करूंगा क्योंकि मेरी एक दोस्त से लड़ाई हो गई. Assalamu alaikum, this is Rabia and we are back with another episode of Pyar Zindagi aur Karachi and I have Azan Sami Khan with me. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Sorry, main mud nahi raha hu kyunki main aankhein jo hai road pe rakhna cha raha hu. Bilkul bilkul, aap road pe rakhiye. Aur kitna fake hai na, us waqt hum gappe laga rahe hain. Ab main on hua camera to main assalamu alaikum kar raha hu. I find it so awkward sometimes but main phir bhi assalamu alaikum hi karta hu. लेकिन क्योंकि वो वीडियो चल रही होती है, स्टार्ट होती है, तो मुझे लगता है ऑडियंसेस को अजीब सा लगेगा अगर हम सलाम के बगैर कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करें, तो इसलिए वो होता है. बट पहले भी सलाम कर चुके हैं हम लोग जी. अब हम मोड़ लें गाड़ी और सीधी चलना शुरू हो, फिर हम स्टार्ट करते हैं कॉन्वर्सेशन, गपशप कराची के बारे में. यस, क्या हाल चाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह. ब्लैक, ऑल इन ब्लैक? All in black. Why? Safest. 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 You think you need to be safe? No, no. It's just so I try, you know. मुझे ये वाले फैसले करना ना बड़ा मुश्किल लगता है. मुश्किल लगता है तो आई एम लाइक यू नो और जिंदगी में बड़े फैसले करने. सो लेट्स जस्ट गो विद द सिंपलर चॉइस. अभी मेरे दिल में आ रहा है आपकी मासूम जान पे क्या मुश्किल फैसले करने के. नो, मतलब जिंदगी काम के हवाले से, दूसरी चीजों के हवाले से. सो दीस डिसीजंस, यू नो, अ फ्रेंड ऑफ माइन आस्क्ड मी कि ओ कल तुम इस इंटरव्यू के लिए जा रहे हो क्या पहनोगे? तो आज क्या मैंने सोचा ही नहीं. आई एम सरप्राइजिंगली नॉट लाइक अ लॉट ऑफ पीपल हु मे बी आर इन द एंटरटेनमेंट बिजनेस. वो सोचते बहुत है और आई थिंक मुझे ज्यादा सोचना चाहिए. लेकिन मैं बिल्कुल भी नहीं सोचता. मतलब सुबह कबर्ड खोला ये था पहन लिया आ गया. अच्छे लग रहे हैं आप. थैंक यू. इट्स लुकिंग नाइस एंड अच्छी. आई थिंक रेड एंड ब्लैक अच्छी लग रही है. थैंक यू. आज मैं इसी का वेट कर रही थी. मैं चाह रही थी कि आप कुछ तारीफ करें मेरी. बहुत अच्छी लग रही है. देखिए ये जो सेगमेंट है ना, इसकी वाइब भी डिफरेंट होती है. मैं यहाँ बैठती हूँ या ड्राइव करती हूँ, कुछ हो जाता है मुझे. मैं इतनी बातें कर रही होती हूँ, बिल्कुल ना उस मोड पे चली जाती हूँ जहाँ आई एम पुलिंग लेग विद एवरीवन जो यहाँ बैठे होते हैं. तो आप भी प्रिपेयर्ड फॉर दैट? नहीं, आई एम प्रिपेयर्ड. आई थिंक हमने दो बार इंटरव्यूज किए हैं प्रॉपर्ली. बड़ी सीरियस एंड बहुत सीरियस इंटरव्यूज. बहुत सीरियस इंटरव्यूज थे. तो आज आई एम इन दैट हेड स्पेस के कुछ भी सीरियस बात का अगर सवाल आया भी मैं जवाब देने नहीं वाला हूं. तो don't expect anything. नहीं नहीं, ये आप, you can't get away with it like this. I will get away with it. अगली बार कभी कुर्सी पे बिठा के अपने फॉर्मल शो में आप पूछ लीजिएगा. आज नहीं कुछ मिलने मुझे लग रहा है मैंने गलती कर दी. ये बात क्या गया क्योंकि अजान ने कहा बेटा अब बस आपने मुझे लाइसेंस दे दिया टू अवॉइड ऑल सच सीरियस क्वेश्चंस. लेकिन अभी तो हम हल्के फुल्के सवाल या गपशप से स्टार्ट करते हैं. बट कराची, you've grown up in Karachi. I have grown you up. Are from Karachi? Yes. Right. I'm originally my family is from Quetta or from my father's side from Peshawar. Achha. But mother's side from Quetta, father's side from Peshawar. But I've grown up personally in Karachi. Karachi. Most of the years. Aur kis area mein rehte the aap log? So hum Clifton ki taraf hote the and I grew up there, then we shifted to defense. But Karachi has been a very big part of my life. Like, you know, kuch saal maine पाकिस्तान से बाहर गुजारे हैं लेकिन एक खिंचाव रहता है कराची वापस आने का. विद ऑल इट्स ग्लोरी एंड प्रॉब्लम्स जो हमें सबको पता है, तो कहने की जरूरत नहीं है. लेकिन इट इज जस्ट समथिंग, यू नो.
नहीं, मुझे लगता है कराची की अच्छी बातें भी बहुत है जिनके बारे में बात करनी चाहिए. जब हमारी सबकी जो मेमोरीज हैं उसमें मुझे लगता है बड़ी अच्छी कॉम्बिनेशन है, कुछ सख्त और कुछ बहुत ही खूबसूरत और नर्म यादें मुझे लगता है कि कराची से रिलेटेड है. लेकिन स्कूल आपने यहीं पढ़ा हुआ है, बाहर पढ़ा है, कॉलेज के लिए गए आप क्या? स्कूल में यहीं पर गया था, इंडस अकेडमी गया था, फिर उसके बाद व्हेन आई वाज 12 13 में आई मूव्ड आउट. तो फिर मैं वापस आके देन आई डिड माय ONA लेवल्स प्राइवेटली. सो उसमें भी बहुत एक यू नो बिकॉज आई यू नो वाज अवे, तो एजुकेशन सिस्टम्स मैच करना कभी कभी मुश्किल हो जाता है एंड आई वाज शॉर्ट ऑन टाइम. तो देन आई डिड माय ONA लेवल्स प्राइवेटली, वो भी कराची से. बट स्कूल ईयर्स वाज इन मोस्ट मेजॉरिटी ऑफ द ईयर्स वर इन इंडस एकेडमी. तो वो आपकी स्कूल या ये जो इंडस एकेडमी है, आई एम नॉट फेमिलियर विद इट, मैंने देखा नहीं है. लेकिन बाहर कोई होता था ठेला वेला या कोई छोटा कार्ट या वापसी पे स्कूल से कहीं रुक के कुछ खाना? ये एक मुझे लगता है एक बड़ा एक ज़माने में तो ट्रेडिशन होता था. अब भी मुझे नहीं पता बच्चे कितना करते हैं. जैसे अभी हम निक्सर के पास से गुजरे थे तो मुझे अक्सर वहाँ पे ना वो मकई वाला और तो हमारे स्कूल के बाहर मकई वाला तो होता था, वो हम शौक से खाते थे. उसके अलावा आइसक्रीम वाला गुजरता था एंड कभी कभी शकरकंदी वाला होता था. सो इट वुड बी अ लॉट ऑफ फन. बट अगर आप कराची में रहने वाले हैं तो आपको चिकन रोल्स का बड़ा शौक होगा. और मेरे लिए चिकन रोल्स एक एक पॉइंट स्टेपल डाइट होता था. बिल्कुल. तो स्कूल के बाद कभी कभार चले जाना, हॉट एंड स्पाइसी चले जाना, ईट ऑन चले जाना, रेड एप्पल चले जाना एंड I think that was a big part of it, दोस्तों के साथ after school. कभी सिल्वर स्पून गए आप? सिल्वर स्पून गए हैं, KB's गए हैं, KB's की आइसक्रीम बहुत खाई है. It's funny because मुझे पहले मेरी अम्मा और खाला ने KB's की जो सॉफ्ट सर्व जो क्लासिक है वो खिलाई थी. और उसके बाद बहुत सारे और उस उनके टाइम पे तो और कोई होता नहीं था. अपेरेंटली वो मशीन ही पहली बार KB's नहीं मंगवाई थी. अच्छा, ये मुझे भी नहीं पता. ओके, या या. सो उनके जमाने में इट वाज अ वेरी लाइक बिग डील के एक मशीन में से आइसक्रीम निकल रही है, यू नो. और हम लेकिन व्हेन दे मेड मी हैव इट, तो उसके बाद कराची में बहुत सारी जगहें जो सर्व करती हैं, लेकिन इट स्टिल होल्ड्स दिस नॉस्टैल्जिक थिंग. मे बी वो होता ना कि फॉर मी, इवन दो ये मेरे बचपन से बहुत पहले की बात है, लेकिन व्हेन आई हैड इट नाउ फॉर मी KB स्टिल होल्ड्स दैट स्पॉट. और मुझे लगता है आजकल भी जो आजकल के भी बच्चे होंगे, आप 16 17 साल के बच्चों को ले लें तो उनके लिए लाइक दे विल ट्राई ऑल द अदर ब्रांड्स और जो फैंसी जगह निकल आई है, बट KB's इज KB's उसकी. अच्छा, हमारे सामने जो गाड़ी है वो मूव नहीं कर रही, सो वो उसकी है अपनी बात ना, कि उसका एक वो पाकिस्तानी चीज़ है, कराची की चीज़ है, तो आपको वो ट्राई करनी होती है. बिल्कुल. सो बट ओके होता था मम्मी के साथ के स्कूल से वापसी पे रुक रहे हैं, या उनको होता था वापस टाइम तो देखें मोस्ट ऑफ माय लाइफ ना एक जंग होती थी कि मैं कुछ खाना चाहता था और मेरे जो इर्द गिर्द के लोग थे वो कहते थे अजान नहीं खाना है. ठीक है, सही है. तो ये जंग तो एक ऑन गोइंग मेरी जिंदगी का हिस्सा थी. तो जब हम वो मरहला पार करते तो माई फूड ऑफ चॉइस would always be Karachi ka street food. Itna tak ki main jab kuch mere dost Pakistan se bahar the to jab main wahan jata tha mujhse rolls mangwate the, to main flights pe bhi leke ja chuka hu hot and spicy ke rolls aur unke liye jo Pakistan se bahar hai aur wo wahan pe freeze karte the aur khate the. I know, ye to ek cheez hai. Also we forgot Hanifia. Oh yes, yes. So, Hanifia. अच्छा, by the way, हमने बताया नहीं हम जा रहे हैं one of my favorite kebab spots. इस जगह की अच्छी बात ये है कि जब डाइट चल भी रही हो तब भी थोड़ा बहुत खा सकते हैं, which is वहीद कबाब, बर्न्स रोड पे होता है, मशहूर तरीन. और उसके बाद second stop का है हमारा, फिर उसके बाद हम एक स्टूडियो जाएंगे जो मेरे दिल के बड़े करीब है, विच इज शमसी स्टूडियोज. और वहाँ जब जाएंगे तो उसकी तफसील हम बता सकते हैं. सो अजान ने जब सजेस्ट किया तो आई गॉट रियली एक्साइटेड, बिकॉज आई वाज लाइक ये एक ऐसी चीज़ है जो आई डोंट थिंक बहुत लोगों ने देखी होगी या उससे उनको एक्सेस होगा. तो आई थिंक शमसी स्टूडियो वॉज अ ग्रेट आइडिया टू गो देयर. एंड ऑफ कोर्स वहीद के कबाब, तो वी ऑल लव इट. तो यस, सो वी गोना. हमारे मेरे ददयाल में कहावत है ना कि जो बिकॉज अ लॉट ऑफ अस एट सम पॉइंट इन आवर लाइव्स यूज्ड टू बी प्रीटी बिग, यू नो. तो हमारे यहाँ कहावत है ना कि
हम ऐसे ऐसे नहीं हुए, खा पी के हुए, ठीक है? तो खाने के बड़े शौकीन हैं, तो कौन से रेस्टोरेंट में क्या मिलता है, कब मिलता है, कब जाना चाहिए तो फ्रेश होता है, वो उसका सब इन्फॉर्मेशन है। तो बहुत दफ़ा मेरे कुछ दोस्त हैं जब वो कहीं ट्रैवल करते हैं, चाहे वो पाकिस्तान आ रहे हों या पाकिस्तान से बाहर जा रहे हों, तो मुझे कॉल करेंगे कहाँ खाना चाहिए, वहाँ जाना, वहाँ पे ये बोलना, फिर वो ये लेकर आएंगे, फिर उनको बोला नहीं फ्रेश, जो भी है ना वो सारे टिप्स दे देते हैं, तो खाने की बहुत शौकीन है। अच्छा, आप हॉट एंड स्पाइसी की बात करें, लेकिन जब हॉट एंड स्पाइसी आया था तो ईटॉन और सिल्वर स्पून ये सब बैक में चले गए थे, नहीं? माय फेवरेट इज स्टिल ईटॉन। रियली? मैं तो हार्डली आई नो एनीवन जो ईटॉन, मतलब ईटॉन अभी भी बहुत चल रहा है, आप जाएं तो रश होता है, लेकिन मुझे बहुत कम लोग अब अपने सर्कल में जाते हुए नजर आते हैं वहां पे, एवरीबॉडी जस्ट गोस टू हॉट एंड स्पाइसी। सो फॉर मी रैंकिंग वाइज ये कोई प्लग नहीं है, मुझे कोई वहां से कुछ कह नहीं रहा, नहीं ऑफ कोर्स, बट ईटॉन आई वुड से इज माय फेवरेट, देन रेड एप्पल, देन हॉट एंड स्पाइसी। अच्छा, मुझे ना सिल्वर स्पून का टेस्ट बहुत डिफरेंट लगता था, अभी भी मैं मुंह में पानी आ रहा है याद करके उसको, लेकिन आई थिंक सिल्वर स्पून के कबाब रोल वर स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी गेट नाउ, नहीं याद आ रहा है आपको थोड़ा बहुत? सो माय फूड जर्नी, अ लॉट ऑफ इट वाज डेवलप्ड, फूड पर्टिकुलरली वाज डेवलप्ड विद माय खाला, एंड वी वर बोथ, हमारी बॉन्डिंग होती थी खाने पे, तो हर फेवरेट यूज्ड टू बी ईटॉन, तो उससे इट बिकेम माय फेवरेट, यू नो, तो आई थिंक वो उस एज में जो चीज एक दफा जुबान पे आ गई ना, हां टेस्ट आ गया, तो पढ़ाकू बच्चे थे आप स्कूल में, या वो जो बस दो पढ़े और बस पास हो जाओ यार, बस 40 अगर पासिंग है तो 45 कर लो बस। When I think back now, कि I'm like, अच्छा उस एग्जाम में इतने अच्छे नंबर कैसे आए और उसमें इतने बुरे कैसे आए? आई थिंक आई वॉज वेरी, जो सब्जेक्ट पसंद था उस पर मेहनत कर ली, दूसरे पे कि बस पास हो जाएं, कि डांटना पड़े, तो फॉर मी दैट वाज, आई थिंक आई कुड हैव ऑनेस्टली, अब मैं डन बेटर बिकॉज ये मैं एक चीज़ जरूर कहूँगा, मेरे कजन जो हैं बहुत ज्यादा पढ़े लिखे टाइप में, तो उसमें मसला पढ़े लिखे टाइप क्या, वो बहुत ज्यादा कराची वाले बहुत ही यूज करते टाइप, वो मेरे कजन टाइप हैं, वो ये टाइप हैं, वो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे टाइप हैं, तो उनका ये ना कि ऑल वेंट, यू नो, बहुत वेरी वेरी गुड इन स्कूल, वेंट टू ग्रेट यूनिवर्सिटीज, प्रेशर होगा आप पे, तो मैं उस प्रेशर में आया ही नहीं, मैं बोला पढ़ना ही नहीं इस रेस में, ठीक है? तो बिकॉज़ आई ट्राइड अ कपल ऑफ टाइम्स कि यू नो अच्छे मार्क आए, अम्मा को आके दिखाया घर पे, अम्मा इतने आ गए, वेरी गुड, पता है उस्मान के कितने आए? तो जब वो हुआ ना दो चार बार, आई वाज लाइक जानी तुम अपनी लेन चुन लो, तुम अपना काम करो, ठीक है, यहाँ नहीं कुछ होने वाला, तो देन दैट्स बैटल आई वाज लाइक वही जंग चुनो जिसमें आपको लगता है जीत सको, तो दे वर वेरी, आई एम वेरी अल्हम्दुलिल्लाह हैप्पी दैट दे आर लाइक दैट, बट आई वाज जस्ट, यू नो, आई थिंक आई कुड हैव डन बेटर इफ आई पुट माय हेड टू इट मोर, एक पॉइंट पे आई वांटेड टू बी अ लॉयर, आई स्टिल, यू नो, बिकॉज़ माय ग्रैंडफादर वाज अ लॉयर एंड ऑल ऑफ दैट, और मे बी some sort of like dada, nana was a lawyer, dada was civil servant and then adc ambassador and stuff, so I was like kuch thoda sa us type ki ka kaam bhi karna chahiye, authoritative kuch lawyer type politics something politics, like that should have, but I guess my journey was bilkul different, bilkul aap to different direction mein chale gaye, bilkul hi bilkul, yeah, to wo aap suits dekhte hain? Suits I haven't seen. Everybody tells me to watch. You suits. Haven't. Everybody tells me to watch. You lawyer banna chahte hain? You haven't. I haven't seen Suits. So it's because when I was small, my nana used to take me to the court for his cases with him. तो मुझे याद है कि मैं कोई 5-6-7 साल का था, तैयार होता सूट वूट पहन के ना, और उनके साथ जा रहा हूँ, उनका ब्रीफ केस उठाया हुआ है कुछ, और हाई कोर्ट इन क्वेटा और सुप्रीम कोर्ट इन इस्लामाबाद समथिंग, एंड गोइंग विद हिम, तो वो मेमोरीज बहुत, you know, important hai mere liye, so I part of me felt that, you know, maybe I could have or should have done that, but to apne try bhi kiya tha us direction mein jaane ke liye, maine unki kitabe dekhi thi bahut sari, fir aap dar gaye, to maine kaha yaar ye to bada, you know, mushkil lag raha hai, ye to bahut moti kitab hai, ye ek bhi nahi hai na, pure shelves bhare hain, exactly, to then I was like, it's daunting, and to bahar padhne ke liye kahan gaye the aap? तो आई वेंट टू नैशविल टेनेसी अमेरिका में टू स्टडी म्यूजिक, आई स्टडीड, सो यू वर क्लियर बाय दैट टाइम कि मुझे म्यूजिक फॉलो करना है एंड आई वांट टू डू दिस, सो आई स्टार्टेड वर्किंग प्रीटी अर्ली, मेरी कुछ भयानक वीडियोस भी ऑनलाइन आप देख सकें यूट्यूब पे, आई हैवंट कम अक्रॉस देम, आई विल सर्च, जी जी जी, वो हैं 13, 14
you know. So ab aap dekhte hain aapko kaisa lagta hai? So it's my friends or like people close to me, their favorite thing to do. So kuch bhi meri cheez aati hai jisko koi tareef mil rahi ho, usse bolte hain ye sab theek hai, ye dekhte hain aur fir wo laga lete hain. Wo friends hi nahi honge ki wo ye karenge nahi. Only two friends. Exactly, yeah. To wo laga lenge fir wo jo rahi sahi kuch इज्जत बन रही है अपने घर में ना वो खराब हो जाती है. द बेस्ट वाज रिसेंटली माय मॉम प्लेड दोस वीडियोस टू माय किड्स. ओह माय गॉड. तो एक बाप जो है ना वो बच्चों के सामने के साथ जमा यू नो जमाना चाहता है कि तो जब उन्होंने वो देख लिया तो इट वाज जस्ट डन. इट वाज डन. एंड देन आई एम श्योर वो बच्चों को भी बड़ा मजा आ रहा होगा, मजाक उड़ाया होगा उन्होंने कि दैट व्हाट वर यू डूइंग. सो आई वाज ट्राइंग टू एक्सप्लेन टू देम कि जब एक लड़का बड़ा होता है तो उसकी आवाज क्रैक होती है, लेकिन उनको नहीं समझ में आया था कि मैं हेलो क्या हो रहा है इस तरह से क्यों बात कर रहा हूँ. तो वो उनको नहीं समझ, उन्होंने व्हाई डू यू साउंड लाइक अस, लाइक यू नो व्हाई डू यू साउंड. एंड आई एम लाइक यू नो व्हेन यू टर्न 13 14 प्यूबर्टी देन यू विल योर वॉइस विल चेंज. तो उनको नहीं समझ में आया, उन्होंने बोला ये क्या है, कौन सी फेक आवाज है, व्हाट वर यू एक्सपेरिमेंटिंग, व्हाट वर यू एक्सपेरिमेंटिंग विद, नाउ एंबैरेसिंग अस, यू नो. फन फैक्ट बाय द वे, जी मैंने इतनी ऑफिशियल कॉल्स अपनी अम्मा की आवाज बन के उस एज पे की है ना, इतनी सारी ऑफिशियल कॉल्स स्कूल जाती थी. नहीं नहीं मतलब अम्मा अम्मा को अपना डेबिट कार्ड एक्टिवेट कराना है और उनको नहीं लेना देना हेल्पलाइन पे ना 10 मिनट के लिए, तो ना अजान एक्टिवेट कराओ, और इतनी सिमिलर होती थी. अभी कर सकते हैं? अभी नहीं कर सकता, लेकिन बहुत क्योंकि शी डिडंट वांट टू यू नो असलामुअलैकुम जी अब आप ऑपरेटर से बात करें, ऑपरेटर से भी नहीं, वो जो मशीन पूरी बोल रही होती है ना, तो शी सेड तुम करो एंड दे वुड नेवर कैच इट. मैंने कई उनके कार्ड्स एक्टिवेट कराए, कोई पीटीसीएल का बिल देना है तो कंप्लेंट करनी है. कॉलेज स्कूल भी आप कर लेते होंगे कॉल खुद से? वो कभी नहीं ट्राई किया. बट शरारती किस्म के बच्चे थे आप? खूब शरारते हैं? वर यू अ सीरियस किड? किस तरह के थे आप? डिपेंडेड, इट डिपेंड्स. समटाइम्स आई वाज शरारती, आई वाजंट. सच बोलूं, इफ आई लुक बैक, आई नेवर डिड एनीथिंग टू एक्सट्रीम इन टर्म्स ऑफ. व्हाई वर यू नेवर टेम्प्टेड? आई थिंक माय मॉम वाज वेरी open with me about talking to her about stuff. तो वो rebellious streak कभी as such, वो attraction ही नहीं थी किसी चीज़ को करने की. नहीं. It was, you were allowed and you could do. हाँ, मतलब I remember one of the first times हम पता नहीं क्या सीन था and अम्मा ने मुझे सिखाया कि टायर से हवा कैसे निकालते हैं. तो जब आपकी अम्मा so cute. Yeah. तो she was like, that's so much fun. इधर आओ. And I was like, चलिए दबाओगे हवा निकलेगी. तो अपनी गाड़ी पे करके सिखाया, ऐसे नहीं है. लेकिन वो उसके बाद ना जब आपकी अम्मा ने आपको सिखा दिया ना, तो फिर कोई चीज आप वैसे ये स्ट्रेटजी भी अच्छी है, खुद ही से बच्चों को ऐसा कर दो कि बच्चा कुछ करने का सोचा ही नहीं. या सो इट्स जस्ट दैट इफ देयर वाज एनीथिंग आई वाज लाइक यार मतलब वो उन्होंने एक रिलेशनशिप इतनी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी बनाई थी कि आई जस्ट फेल्ट आई कुड शेयर एनीथिंग. देयर वाज नो रिबेलियन. प्रेशर भी होता है थोड़ा सा कि शी सो नाइस, हाउ कुड आई डू दैट. आई थिंक नॉट लेटिंग हर डाउन का प्रेशर वाज द बिग वन, यू नो, द बिग वन. आई नेवर वांटेड हर टू बी अप लाइक you know she did she, you know she was a single parent and she did it herself, so I was like I never want to let her down or make her feel ke her efforts were ke she went wrong anywhere. Aur ye realization aapko bahut pehle ho gayi thi ke you. But I think a lot of people watching who maybe are grew up with the parent alone will relate to this ke wo you feel ke you don't want to let the parent down. कुछ लोग करते हैं अजान, कुछ लोगों को थोड़ा टाइम लगता है ढूंढने में, मुझे लगता है. But you figure it out. It's a figure. कराची की पहली मेमोरी क्या है आपके ज़हन में? व्हाट्स कराची फॉर यू? कराची फॉर मी वुड बी माय फैमिली, या यू नो माय चाइल्डहुड, माय नानी, यू नो. कराची वुड डेफिनेटली बी दैट. व्हेन यू थिंक ऑफ कराची यू थिंक ऑफ ऑल दीस पीपल? आई थिंक ऑल दीस पीपल, लाइक यू नो आई आस्क मायसेल्फ समटाइम्स, यू नो, क्योंकि अ लॉट ऑफ माय फैमिली इज मूव्ड आउट and abhi you know as such it's just amma, myself and my khala over here. But it's you just feel attached and sometimes I ask myself ki kyun, matlab it's not ki no ki pura khandan yahan par hai or something. Why do you feel attached to Karachi? I don't know, it's very odd. And I think ki you know sometimes I'm like you know wahan ja ke reh sakte hain, wahan har saal barishon ke masle nahi hote, matlab light ka masla nahi hota, you know. You think about that and you're like you know main kis wajah se yahan hu, jo mera kaam particularly hai, if I'm not shooting, so you do a lot of it online, you know, but you just feel attached for some odd reason. So Karachi is home for you. Yeah. Karachi is family. Karachi is home for you. But Indus biryani, Karachi roast, bilkul. Mr. Burger, ye sab khaye hain aapne? Which one is your favorite? Indus biryani. So wo gaya Rehman ki Madni biryani and all these, have you tried those?
I haven't. But you've I heard about it. I've heard about it. Yeah. चलिए आज तो हम बंस रोड ट्राई करें। माय फेवरेट्स इफ व्हेन वी गो इनटू दैट इज ज़ाहिद निहारी। मैंने बहुत उसकी बातें वैसे भी की हुई हैं। ज़ाहिद निहारी वुड बी वन ऑफ माय फेवरेट्स। वैसे इफ आई टेल यू ज़ेरा मार्केट, हम फिर ज़ेरा मार्केट के पास से गुजरे। आई रियली लाइक दिस प्लेस। मुझे लगता है जब सो आई यूज्ड टू कम हियर ज़ेरा मार्केट एंड ऑल दीज एरियाज। आई यूज्ड टू गो टू क्या कहते हैं बोरी बाजार विद माय नाना। एंड जो उस दौर के लोग थे उनके लिए यही शहर ये था। दिस वाज द यू नो आई हैव पिक्चर्स ऑफ माय मम एज अ बेबी स्टेइंग एट होटल जबीस एंड या तो इट यूज्ड टू बी दिस यू नो दिस यूज्ड टू बी द एरिया। तो आई यूज्ड टू कम हियर विद माय नाना। ही वुड लाइक टू शॉप एट बोरी बाजार। मैं उनके साथ हाथ पकड़े घूमता था। सो आई हैव लॉट ऑफ मेमोरीज हियर। इवन माय सॉन्ग फ्रॉम द एल्बम एक लम्हा वाज एन होमेज टू दिस यू नो कि ये एक वक्त पे अगर आप अभी भी देखें आपको पुराना आर्किटेक्चर नज़र आता है। किस तरह की बिल्डिंग्स हैं। अनफॉर्चुनेटली उस तरह रखी नहीं गई लेकिन एक टाइम पे यू कैन जस्ट इमेजिन ये क्या हुआ करता था सदर एंड दिस होल एरिया। तो बोरी बाजार जब आप जाते थे कुछ याद है क्या खाते पीते थे? क्या वहाँ की चाट ट्राई की थी आपने? और वो चाट नहीं ट्राई की थी। हमारा मेरा ज्यादा होता था कि मैं जाऊंगा नाना के साथ वो मुझे खिलौने लेके देंगे। हां ऑफ कोर्स दैट वाज द इंसेंटिव। यू गाइस हैव डन वो जो घुमाते हैं क्या कहते हैं लट्टू खेला है आपने वो? एंड वर यू गुड एट इट? नो बिगेस्ट हेल्प आई हैड वॉज माई कजन जो मेरी खाला की बेटी है जो इज यू नो अंटिल मदीना माई सिस्टर वॉज बॉर्न शी वॉज माई सिस्टर यू नो तो शी used to she is but quite a few years older than me lekin wo kabhi bhi mujhe agar hum koi sports khelte cricket football basketball to wo bachchon ki tarah nahi khilati to wo utne hi matlab you know if I was like 7 and she was older than me na and she was good at sports to wo as an adult khelti to usse ye hua ki shuru mein thoda sa rota tha ki ji mujhe ball nahi mil rahi aapne itne point kar liye lekin it allowed me to somewhat get better yeah ha because wo ट्रीट ही नहीं करी थी ना कि टैंट्रम्स को डोंट गिव मी दिस। सो इफ आई से कि मैं कहूँ क्या चीज़ें जिसको देख के आप सोचते हैं कि कराची आप में बसता है तो कुछ चीज़ें हैं आपके अंदर जो आपको लगता है कि हाँ दैट मेक्स मी अ कराचीआइट? आई थिंक कराची में जो लोग पले बड़े हैं उनमें एक all kinds of situations se nikalne ke na solution hota hai to that's true I think you learn to become resilient that way to for instance aapka threshold of masail se nikalna aapko sikhata hai which I think is a good thing a powerful thing a big trait. Strength so Karachi teaches you that I think kuch cheeze in some ways which may not be good but it can also desensitize you बट आपको लगता है कराची वाले डिसेंसिटाइज होते हैं? मुझे नहीं लगता कराची वाले होते हैं। अच्छा आई थिंक आपने यू नो आई विविडली रिमेंबर टाइम्स जहां पर सॉरी मैं कट यू यू वर टॉकिंग अबाउट होटल जबीस और वो आ गया। मैंने कभी नहीं नोट किया आपने मेंशन किया और ये मुझे भी नजर आ गया एंड आई हैड नो आइडिया। सो दिस यूज्ड टू बी अ रियली बिग प्लेस दिस इज लाइक अ गुड होटल So and I right in the middle of right in the middle. I as I said I have pictures yahan par aage ek ice cream ki jagah hoti thi and I wouldn't wo mujhse pehle ki baat hai but I have like you know family pictures jahan par they would go and it was a you know outing ke ice cream khane ja rahe hain and all of that. Aap hotel jab bhi aaye hain kabhi waise khud abhi maybe when I was small अब तो मुझे बेचारा काफी बेचारा लग रहा है बट या मे बी इट यूज्ड टू बी cuz this whole area was you know very different. आपका शॉपिंग डिस्ट्रिक्ट इधर ही था उस वक्त जमा बना नहीं था क्योंकि इफ आई रिमेंबर द फेजिंग तो After Sadr, Zamzama, Clifton वगैरह तो बहुत बाद में बहुत बाद में। अच्छा sorry आप continue कर रहे थे कि you were talking about Karachi and resilience and desensitized। I think in some ways people can get desensitized here। मुझे याद है in early 2000s जब बहुत सारे मसले कराची में होते थे तो एक point आता है when people would be like अच्छा किस इलाके में मसले हैं तुम दूसरे इलाके से किसी की शादी पे चले जाओ या फिल्म देखने चले जाओ एंड किसी और मुल्क में शहर में अगर इस तरह की चीज़ें हो रही हैं लोग घरों से नहीं निकलते तो इट मेक्स यू अ लिटिल एंड आई डोंट ब्लेम देम क्योंकि चीज़ें इतनी ज़्यादा हो रही थी कि आपको अपनी ज़िंदगी तो गुजारनी है
बट एट द सेम टाइम यू फील दैट यू नो एक जो डिसेंसिटिविटी है दैट डज किक इन. अच्छा मुझे लगता है वो सर्वाइविंग स्पिरिट है फॉर कराची पीपल बिकॉज़ जिन हालात और जिस तरह के उसमें रहते हैं लोग but they still go out smile and they enjoy life to wo but as I'm saying it's two sides to two it two sides to it lekin as I said it makes you very resilient very you know? very resilient. like main jab kisi aur mulk mein hota hu aur koi chota masla hota hai jis pe sab pareshan ho rahe hote main nahi hota no big deal exactly ye kaun sa aadat hai ab to aadat hai acha aur and I also feel agar aapne karachi mein kahin drive kar liya to aap duniya mein kahin bhi drive kar sakte नॉट ट्रू बहुत लोग ये कहते हैं नॉट ट्रू नहीं क्योंकि आपको रूल्स फॉलो करने ही नहीं आते अगर आप कराची में ड्राइव करते हैं तो कहीं और जाते हैं जब रूल्स होते हैं ना उससे मतलब रिसेंटली आई वाज इन इंग्लैंड एंड समवन सजेस्टेड किया तुम लाइसेंस बनवा के यहाँ पे क्यों नहीं चलाते एंड द थॉट के कितने रूल्स हैं और मैंने अगर तोड़ा उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे मैं उस पर परेशान हो गया तो आई डू थिंक दैट दैट्स आल्सो एन एंगल या आई डू थिंक यू आई वुड नीड टू tame myself for apne aap ko bahut us tarah karke so hum finally Bunce Road pahunch gaye Waheed Kebab House hai Waheed Kebab what do you call it Waheed I know it is Waheed Kebab Waheed Kebab theek hai ji to hum pahunch gaye aur ab hum order karte hain aur jaake try karte hain so we're going to order what so they have dhaga kebab which I like they have a kebab fry jo main bilkul nahi kha sakta hu lekin dil bada kar raha hai parathe hote hain naan hota hai aur chicken kebab bhi hote hain wo dekhiye right pe mujhe nazar aa raha hai live matka biryani ye kitni fascinating hogi yaar but this is not that old नहीं नहीं ये तो कोई नई चीज है मटका बिरयानी तो ये आज की इजाद है ये अब हर चीज अब मटके में आ जाती है वैसे आपने वो सुना है हॉट चॉकलेट नहीं नहीं इन मटका या कुछ ऐसे ही मैंने कुछ सुना था आई वाज लाइक हॉट चॉकलेट आई स्टिल हैव टू ट्राई ठीक है हम उतरे बिल्कुल अच्छा जी तो हम ऑर्डर क्या कर रहे हैं आई हैव धागा कबाब ओके सो आपकी रिकमेंडेशन में मैं भी धागा कबाब ही लूंगी बिल्कुल ठीक है और हम जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि हमें शमसी स्टूडियो पहुंचना है लाइट में आई वी आर होपिंग वी विल कैच इट अच्छा और हमने ज़ेफ़ा ऑर्डर कर रहा है ज़ेफ़ा तुम कर रहे हो हमारी ऑर्डर धागा कबाब नान साथ गरम नान राइट और नो नान नो नान आप डाइट पे तो नो नान ओके नो नान फॉर अजान लेकिन मैं नान खाऊंगी मेरे मुँह में पानी आ रहा है वैसे नान होना चाहिए पराठा होना चाहिए होना तो पराठा चाहिए लेकिन इनका नान बहुत अच्छा है इनका नान सो यू आर रेकमेंडिंग नान ठीक है जी तो अजान की रेकमेंडेशन पे धागा कबाब विद नान सो वी वर टॉकिंग अबाउट ये द बिल्डिंग कि इतनी दे आर सो रिच उनकी ग्रिल ही उस पर कितना काम हुआ है मैं तो उसको आई थिंक मे बी मैं गलत एस्टिमेट कर रहा हूँ लेकिन ये कम अज कम 100 साल से ऊपर की तो पुरानी बिल्डिंग है और जो आर्किटेक्चर है वो अनफॉर्चुनेटली हमने प्रिजर्व नहीं किया आई होप कुछ बी रोल फुटेज में आप ये शॉट्स लगा दें बिल्डिंगों के वो आने चाहिए लेकिन दूसरे मुल्कों में ये बड़े प्रिजर्व किए जाती हैं इस तरह की आर्किटेक्चर अच्छा और अरे चटनी एंड प्याज Would you dare to have this? I would. You would? Yeah. मुझे बहुत डर लगेगा क्योंकि पेट खराब हो गया तो गए अगले ये मेरे ये वाले मसले नहीं ये मसले नहीं अगर खा रहे हैं सही से खाएं वरना मत खाएं Okay. Then I'm daring you to do this. मुझे बहुत फैसिनेट करती है बट चले मैं शायद अभी ट्राई कर लूं और वैसे ये जो प्याज है एक्चुअली अगर हमें उस तरह देखना है तो द प्याज इज एक्चुअली पता नहीं कितनी देर पहले कटा है लेकिन But I'm not such a big piyaz. बहुत चीजों में जा सकते हैं. बिल्कुल बिल्कुल. Exactly. But I'm not such a big piyaz fan. अच्छा, I love piyaz with you know what? तो नहीं आज मेरे मुँह में इतना पानी है मुझे खाने जल्दी आ जाए. So I love मुझे. I'm a big chutney guy. लेकिन not piyaz so much. And can you take spice? मिर्ची खा लेते हैं आप? जबरदस्त. Very much. Thank you. Oh wow! इतनी जल्दी आ भी गया. Not bad. आपके नान का वेट कर लेते हैं. नहीं नहीं, let's start. मैं थोड़ा अंग्रेज बनूंगी उनसे बोलूंगी मुझे कांटा या कुछ ला दे क्यों हाथ साफ ओके ओके ठीक है ओके आई वाज प्लानिंग टू ईट इट विद कांटा बट अजान को देख के मैं भी हाथ से बहुत गर्म है वाओ आई लव दिस नान क्या जबरदस्त आई विश आई वाजंट ऑन अ डाइट सो नाउ यू हैव टू एडमिट के अच्छा किया हमने ये वाला ऑर्डर करके ना
ओ ये कैच किया मंजर। अच्छा आई कैन हैव नान विद ठंडी पेप्सी। आई लव हैविंग दिस। सो आई लव नान रोटी चपाती पराठे बट आई जस्ट एक तो मेरा मसला मैं शुरू करता हूँ मेरा ख़त्म नहीं कर पाता हूँ बहुत ज़्यादा खा लेता हूँ तो बेहतर है कि वो उस रास राह पे चला ना जाए। So you have these things also कि ख़त्म नहीं होता है यार। No I love it तो एक दफा it's better to just avoid। Okay अच्छा ये बहुत मज़े का है और मैंने चटनी में करिस ले लिया है। तो गाइज मैं ये ज़रूर बोलूँगा कि मैंने पहले कह दिया था कि धागा कबाब इंटरव्यू के लिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा मगर अगर खाना है तो यहीं बैठकर प्रॉपर्ली खाना चाहिए वरना नहीं खाना चाहिए। और मैंने अजान से कहा कि अजान बहुत अच्छा मज़ा ही इसमें आएगा कि हम जो भी कॉम्प्लिकेशन है उसको भी शूट करें बिकॉज दैट्स द होल आइडिया। बट यू आर एन एक्सपर्ट आई कैन सी हाउ वेल यू आर मैनेजिंग दिस। मैं तो नहीं कर पा रही हूँ। अच्छा तो क्या कोई ट्रिक होती है इसको खाने की? धागा निकाले और कुछ भी नहीं मतलब। थैंक यू अजान। आई डोंट नो आई थॉट धागा भी खाना है साथ। धागा निकाल आई थॉट ये भी फ्लेवर होता है। मेरा मतलब था कोई धागा निकालने की भी खास ट्रिक होती हो ना शायद। अच्छा ओके सो वो आप सारा जमा कर लें फिर उसको खाएं। मजे का है ना एंड इट्स नॉट हैवी दैट्स व्हाट आई एम लाइकिंग इट। नहीं सो देयर कबाब फ्राई इज हैवी व्हिच वी डिडंट ऑर्डर बिकॉज़ बोथ ऑफ अस डिडंट वांट टू हैव दैट। अगर आप लोग कह रहे हैं राबिया ऐसे क्यों बिहेव करी जैसे पहली बार आई हूँ तो मैं बहुत सालों बाद यहाँ आई हूँ सो आई हैव फॉरगॉटन ऑल ऑफ दिस और शायद मैं वही कबाब पे मैं शायद नहीं आई बंस रोड आई हूँ लेकिन शायद यहाँ नहीं आई। डू यू वांट टू हैव चाय? आर यू द काइंड ऑफ चाय पर्सन? कावा पर्सन। यहाँ तो कावा नहीं मिलेगा। यहाँ कावा मिलेगा? अच्छा आपको मैं यहाँ पे जलेबी खिलाऊँ या गुलाब जामुन? कुछ भी नहीं मीठा नहीं हो सकता। मीठा तो हो ही नहीं सकता। नॉट इवन अ बाइट। मसला ये है कि मेरे साथ नॉट इवन अ बाइट होता नहीं है। वो आप कंट्रोल मेरा पूरा दिन चलेगा तो आई जस्ट आई हैव टू अवॉइड इट। अब हम कावा ऑर्डर कर रहे हैं। हुज़ैफा पूछने गया है कौन सा कावा है? सुलेमानी में कावा का और ग्रीन चाय अदरक नींबू वाली। सुलेमानी में क्या होता है? सुलेमानी में वो दूध वाली पत्ती से बनाया गया। दूध वाली पत्ती से मतलब दूध पत्ती है चाय? दूध पत्ती अलग है सुलेमानी कावा अलग है। अच्छा सुलेमानी कावा है जो वो दूध वाला पत्ती से बना। चलिए एक सुलेमानी कर दें। आपने क्या? दोबारा यो चाय। अरे वाह फीका है मीठा ये क्या बात हो रही थी? ना 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 फीका खाली नाइस नेम पठान फैमिली से इतनी बस तो बोल लेता हूं मैं। नहीं नहीं उससे ज्यादा बोल लेते होंगे आई एम श्योर बट आई वाज जस्ट मैं एकदम से वो यू कॉट मी बाय सरप्राइज कि मैंने कहा उर्दू में एकदम से वो पछता निकली ना। तो आपने क्या ऑर्डर किया है? मैंने सबस चाय ऑर्डर किया है ग्रीन टी चीनी के बगैर। We are so used to calling it green tea कि अब आपने सब चाय बोला मैंने कहा ये कौन सी चाय होती है फिर मुझे याद है ये तो ग्रीन टी होती है यार। ओके ग्रीन टी विदाउट शुगर विदाउट शुगर। हम मैंने सुलेमानी कहवा ऑर्डर किया है। Have you tried it? Do you know what it is? I think I have. हमारे घर में ये था कि जो हम कजिन सब थे माय मॉम अंकल मामू खाला वगैरह वो सब एक दूसरे से काफ़ी पश्तो में बात करते हैं जब भी हमारे बारे में बात हो रही होती थी तो पश्तो में होती थी। तो अब हमें समझ में पूरी आती है लेकिन बोलने में ना बेसिक्स हैं मतलब उतनी आई वॉन्ट टू इम्प्रूव इट। मेरे एक दो पठान दोस्त हैं उनसे कहता हूँ जिनकी अच्छी है कि हम बस पश्तो में बात करेंगे लेकिन अभी तक इतनी कोई दुरुस्त नहीं हुई। What about your kids? उनको आते हैं कुछ words या? उर्दू मुश्किल से आ रही है मतलब मैं तो यही झगड़ा कर रहा हूँ तो उनसे उर्दू पहले सीख जाए I'll be happy. As I said, I spent a lot of time as a kid in Quetta. लेकिन पश्तो उतनी अच्छी से उतनी कॉन्फिडेंस नहीं है जितनी जैसे उर्दू में है या कुछ। नेचुरल है जब तक आप आई थिंक रोज़ नहीं बोल रहे होते आपको आदत नहीं होती है। मैं इस प्रोग्राम के बहाने दो दफ़ा बंस रोड आ चुकी हूँ एंड वी ट्राइड गुलाब जामुन एंड जलेबी फ्रॉम दैट किसके साथ? फैजान के साथ। कौन सा वाला फैजान? शेख के साथ। और मैं फैजान को जब फैजान को इंटरव्यू करती हूँ मुझे तो मैं फैजान ख्वाजा ना बोल दूँ बार बार मुझे या कोई और नाम। सो देयर इज़ अ ठेला देयर और वो गरम गरम गुलाब जामुन और जलेबी बना रहा होता है
और हम दोनों वहाँ से हिलने को तैयार नहीं थे और वो भी डाइट पे थे और वो भी कह रहे थे कि अब कहाँ ले आई है मुझे, बट वंस इन अ वाइल चलता है मेरे ख्याल में. इट वाज नाइस. सो व्हाट आर यू सिंगिंग नाउडेज? सम म्यूजिक दैट इज सपोज्ड टू कम आउट दिस ईयर. सो वो करते हैं आप कि वो बना ली धुन तो फिर उसी को गुनगुना रहे होते हैं एंड देन यू लिसन टू इट? आई थिंक वो लाइक फॉर इंस्टेंस जो चीजें आ चुकी हैं आई मेरी चीज थी वो दूसरों की हो गई. सो आई स्टिल लव दोस थिंग्स. अगर वो आई हैं तो यू नो दे मीन समथिंग टू मी बट एंड यू नो आई एम प्राउड ऑफ देम. लेकिन आई फाइंड माई सेल्फ अनकॉन्शियसली सिंगिंग और हमिंग थिंग्स जो जिन पे अभी काम चल रहे हैं. एक पाकिस्तानी सॉन्ग जो आपको बहुत पसंद हो? मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, वो याद आ रहा है. वो क्योंकि किसी ने दो तीन दिन पहले जिक्र किया था. आई थिंक खासा की बहुत सारी चीज़ें, अब्बा की शुरू की बहुत सारी चीज़ें पाकिस्तानी है. अच्छा तो अभी कुछ अनकही का ओएसटी किया आपने, तो आपने अपने बेटे और बेटी को सुनाया था, बिकॉज दैट्स व्हाट यू यूजुअली डू राइट? तो उनका क्या रिएक्शन था? व्हाट वाज द प्रोसेस? आई थिंक वी वर इन, हम कहीं जा रहे थे और मुझे उसकी वो आई थी, नदीम साहब हैड सेंट कट ऑफ द वीडियो. ओके. तो वो मैंने उनको दिखाया. okay. तो मेरा ये कब रिकॉर्ड हुआ है? तो आई वाज लाइक कुछ हमें नहीं सुनाया अभी तक. अगर नहीं आई वाज लाइक आप लोग वीडियो देख लेंगे. मिक्स भी नहीं हुआ था उस वक्त. So they heard it, they liked it. It was their kind of thing. Yeah, matlab, you know, I know. It's a very thoda sa sing along type. Yeah, true. And the more you listen to it, ab zyada it goes on you, you know. I hope so. Yeah. I hope so. Kuch gaane the foreign, kuch gaane hote hain ki every time you listen to them, mujhe aisa laga ki you discover something new, aur wo aapko aur bhi zyada pasand aane lagta hai. Mujhe lagta hai ye wo us wali us tarah ki dhun thi wo, you know. I think Nadeem saab was very clear ke he wanted something jo baak sare kirdaron ki kahaniyon ko cheezon ko sum up kare. So we tried to do that. I think I'm very happy how it fits the story. Yeah, jo true. Ek uska jo feeling hai, I think it goes along with the drama fairly well. To bachchon ka abhi un dono ke sath kuch milke you are creating something, are they part of the process abhi nayi album mein ya kya? They're always part of the process. Hum log ek train ride pe gaye the ek shehar se dusre shehar mein abhi jab travel kar raha tha unke sath, to unko maine puri album सुनाई. तो हमारा कहवा इज हियर. ओ ये सुलेमानी कहवा है. ये सुलेमानी कहवा है. ये ग्रीन और ये मीठा होता है. ये मीठा है. ये निकला है. ये मीठा है. दिस इज द सुलेमानी कहवा. मैंने कभी सुना भी नहीं था. अच्छा तो आप बता देते हैं. तो दो गाने थे जिनमें से मुझे एक चूज करना था क्योंकि आई वाज इन श्योर वो एक टाइप के जोन के थे. आई वाज लाइक एल्बम में दोनों में से एक ही रहना चाहिए. तो वो फैसला उन्होंने किया. दे हेल्प यू चूज. दे वर द वंस डिसाइडेड. आई प्लेड इट टू देम. दे हर्ड दिस. दे हैड द नेक्स्ट वन. आई वाज लाइक कौन सा. दे लाइक दिस वन. आई वाज फाइन. इट वाज जस्ट आई थिंक चिल्ड्रन हैव अ वेरी ऑनेस्ट ब्लंट. दे आर द बेस्ट ऑडियंस. ट्रू. यू नो तो वो बिल्कुल अनफिल्टर्ड नहीं पसंद. माय डॉटर सेड टू मी आफ्टर कपल ऑफ डेज आई वाज लाइक कौन सा गाना अच्छा लगा. तो शी नेम्ड वन ऑफ देम. लाइक क्यों? She's like, because that's the only one I remember. Oh, you know? She was so honest. She was very honest. So you realize that, अच्छा, उन दो-तीन में से ये वाला मुझे, you know. But ये feedback भी तो अच्छी है. उससे आपको पता भी चल रहा है कि किसकी recall value ज़्यादा होगी. Because as you said, they are unfiltered. बच्चे जो होते हैं unfiltered होते हैं. ये actually अच्छा है. बहुत मज़े का है. और ये sweeter version of green tea ही लग रहा है मुझे थोड़ा सा. I think it's काली चाय. Yeah, you're right. Maybe हाँ. लेकिन बहुत strong नहीं है. No, it's not very strong. And I never thought कि मैं काली चाय में अगर चीनी डालूंगी तो मुझे मज़े का लगेगा. It's not bad. It's nice. और अगर सर्दी जो कराची में बहुत कम होती है लेकिन अच्छा जाएगा ये. शुक्र है गिरी नहीं. I always drop something. ये मेरा record है. जिस शो में मैं कुछ गिराए बगैर आगे चली जाऊँ तो I'm like. But this is good. अगर आपने नहीं try किया है, you guys can come here and give it a shot. सुलेमानी कहवा. लेकिन अगर आएंगे तो कहवा तो जरूर ले लें, लेकिन कबाब जरूर खाने. बोला कबाब नहीं, धागा कबाब. धागा कबाब. अच्छा जूते मुझे
मुझे थोड़ा सा इसको पीछे करना है तो हाउ डू आई डू जस्ट राइट अंडर द सीट की लीवर है ओके अच्छा क्रश होते थे ऑफ कोर्स होते होंगे रोज व्हाट रोज रोज That's cute. मैं of course समझ रही हूँ फिर मैंने catch किया कि कह रहे रोज होते थे अच्छा मतलब सुबह और शाम तो खत्म नहीं नहीं ऐसे नहीं था क्योंकि हमने हमारी जनरेशन तक we were still had heard ना कि सच्चा जो होता है ना वो बदलता नहीं है सच्चा प्यार जो होता है लेकिन वो सच्चा प्यार सुबह सुबह हुआ मतलब सुबह देखा दोपहर तक सच्चा प्यार हो गया वो वाली चीजें ना बड़ी हुई है मैं और नहीं बोलूंगा मैं अपने आप को गड़े में खोद दूंगा तो आप नहीं नहीं उसी पे तो अभी हमने बातचीत स्टार्ट करनी है कि सो व्हाट वर यू मतलब किस तरह के थे आप वो जो थोड़ा शाय वाले या नहीं जाके बता दिया फॉरन बातचीत या क्या बातचीत तो नेवर दैट टुक इयर्स या सो यू वर द शाय गाय आई वाज द शाय गाय मतलब इन द सेंस के मतलब इफ इट वाज समबडी आई वाज ऑलरेडी फ्रेंड्स विद वो अलग बात है तो फ्रेंड्स पे क्रश कैसे हो सकता है फ्रेंड तो थे आप ये मुझे वैसे कभी-कभी बात समझ नहीं आती एक दिन उठे तो फ्रेंड पे क्रश हो गया नो नो मतलब समबडी यू आर क्लोज टू एंड देन यू आई थिंक दैट्स मोर व्हेन यू आर अ टीनेजर के यू कैन बी क्लोज टू समबडी देन यू आर लाइक ओ मे बी डू आई आल्सो फील समथिंग अच्छा मैं क्रश वो बिल्कुल उस सेंस से बात की थी देखा थोड़ा सा क्रश हो गया कि अच्छा यार ये अच्छी लग रही है यू नो आई लाइक ऐसा कुछ नहीं नहीं होता था बट टू द करेज कि मैं कुछ जाके बोलूं वो नहीं थी कभी किसी को नहीं किया नहीं नहीं मतलब वो करेज नहीं थी कि मैं जाके बोल दूं द ओनली टाइम्स आई एवर सेड एनीथिंग वाज व्हेन आई वाज लाइक आई न्यू कि दे नो वी नो ईच अदर एंड वी आर क्लोज इनफ फॉर समथिंग बट वो जो मैं मेरे जानने वाले थे जो अनजानी लड़की को जाके ना प्रॉपर पूरी एक यू नो बातचीत शुरू वो आई कुडंट डू यू नो आई वाज वेरी शाय दैट वे ओके अच्छा आपके जमाने में वो ट्यूशन सेंटर का होता था जाते थे ट्यूशन लेने क्योंकि एक टाइम पे ना वो आई एम श्योर अभी भी होता होगा ट्यूशन सेंटर्स का बहुत था लोग बच्चे लेते थे ट्यूशन बहुत एंड देन उधर से बड़ी लव स्टोरीज भी निकलती थी और एक तो बड़ा होता तो दोस्तों के साथ जाना है यार कोई ना कोई लड़की तो मिल जाएगी एक ये बड़ी थिंकिंग भी चलती थी एक जमाने में आई डोंट नो कि अभी तक होता है आई थिंक बिकॉज एज आई सेड पढ़े लिखे टाइप फैमिली ना तो उसमें जो एक और मसला है कि जो कजन्स थे उन्होंने अपने अच्छे अच्छे ग्रेड्स हासिल किए ट्यूशन ना लिए हुए लाइक विदाउट ट्यूशन तो जब मैं बोलता तो बोलते क्या जरूरत है फलाने की जरूरत फलाने ने लिए तुमने तुम्हें क्या जरूरत है तुम डफर हो तो वो मैं तो बहुत ही बड़ा उठाना आता था ना तो आई वुड बी अ बिट लाइक अच्छा नहीं यू नो फलाना मेरा दोस्त भी जा रहा है शाजे भी जा रहा है तो मुझे भी जाना है नहीं तुम नहीं जा सकते और हुएवर इट वुड बी सो आई रिमेम्बर पाक स्टडीज इस्लामियात का जो ओ लेवल था उसके लिए आई डिड गो एंड देन व्हेन आई डिड माई स्टफ प्राइवेटली लेटर ऑन देन ऑब्वियसली आई हैड टू गो टू ट्यूशन सेंटर्स लेकिन जो स्कूल के ईयर्स थे ना कि अच्छा लड़की ने स्कूल में तो बात नहीं की लेकिन वो फलाने ट्यूशन सेंटर जा रही है तो मैं भी वहाँ जाऊँगा तो वहाँ पर मुझसे बात करेगी वो बड़ा ट्राई किया मैंने वो बहुत ट्राई किया हर तरीके से ट्राई किया टेस्ट में फेल होके भी ट्राई किया कि यू नो अच्छा इस दफ़ा पास हो गया तो अम्मा कह रही हैं कि नहीं लेना क्योंकि अगर तुम और मेहनत करते तो खुद ही मार्क्स आ जाते अच्छा अगली टेस्ट में फेल होंगे तो जब फेल होंगे तो हमें जाने देंगे तो फिर लड़की के साथ मिल जाएंगे हमने नॉट अबाउट ट्यूशन सेंटर्स बट आई हैव डन अ लॉट ऑफ सच स्टफ आई थिंक आई हैव सेड दिस इन योर इंटरव्यू बिफोर ओके आई टुक सब्जेक्ट समटाइम्स क्योंकि उसमें रेशियो ऑफ बॉय टू गर्ल कम होता था हाँ हमने बोला था तो ये भी बड़ा किया तो ट्राई हमने हर तरीके से किए लेकिन कामयाबी ज्यादा नहीं हुई बट कोई फन किस्सा है दैट यू कैन शेयर कामयाबी नाकामी का तो मेरा वन ऑफ माय क्लोजेस्ट फ्रेंड्स इज समवन कॉल्ड शाज़ेब हुसैन ही इज अ डायरेक्टर एज वेल नाउ माशाल्लाह ही इज अ डायरेक्टर तो ही एंड आई यू नो वी हैव बीन फ्रेंड्स सिंस वी वर 12 ओके एंड उसने उसके साथ एक स्टोरी थी जिसको मैं आज तक उसको तंग करता हूँ और वो हमेशा डिनाई करता है लेकिन मैं अपने नैरेटिव पे कायम हूँ कि जो मैं कह रहा हूँ वो सही है ठीक है वो ये है कि देयर वाज अ गर्ल आई वाज वेरी लाइक interested in I was like 12 13 years old okay. and I was like you know head over heels ki us yahi hai theek hai and she was better friends with him and main mujhe yaad hai ki wo mujhe bada push karta tha na ki azan diet karo ye karo wo karo you know maybe tumhara chance hai and then later I found out ki she was into him theek hai to main usko aaj tak tang karta hu ki tum kitne bure insaan ho ki tum mujhe diets pe laga rahe ho aur tum khud uske sath scene on kar rahe ho matlab
कितनी बुरी बात है कि एक बंदा ट्रेडमिल पे लगा हुआ है, कुछ नहीं खा रहा, अपने आप को रेडी कर रहा है, उसका दोस्त उसको इनकरेज भी कर रहा है और साथ में वो जाके, बट ही डिनाइज इट, ही सेइंग मैंने कभी कुछ नहीं किया, बट आई स्टैंड बाय माय स्टोरी और मैं उस पे से हटने को तैयार नहीं हूं. मतलब जालिम समाज थे वो बीच में, वो मेरे साथ नाजायज हुआ, नाजायज हुआ आपके साथ, बिल्कुल ज्यादती हुई आपके साथ, धोखा हुआ दोस्ती के उसके पीछे. बट फ्रेंडशिप्स इन कराची, रात को देर तक बाहर ये जरूर था कि there was definitely this one thing के she would prefer कि मैं दोस्त मेरी तरफ आ जाए. तो a lot of the time my house used to be the adda जहाँ पे सब आए हैं ना, फिर तो safe था. हाँ, तो उनको तसल्ली होती है, उन्हें जो करना है घर पे कर लो, सामने हो रहा है. तो a lot of times it would be कि एक दोस्त है वो तीन तीन दिन मेरे घर पे रह रहा है, यू नो, उसके अम्मा बाप मुझे फोन कर रहे हैं कि बेटा वो तुम्हारे आए, जी 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 मेरी तरफ है, फिक्र नहीं करें. वैसे ये भी होता था बहुत ना, आई थिंक अभी भी होता है, बट स्लीपओवर्स. Yeah, yeah, so we would have sleepovers very often, especially when I actually wasn't in Pakistan. So jab bhi main aata, if I was back for like 2 weeks, to phir wo sote nahi the, bas ye tha ki din mein family ke sath, raat ko dost aaye hain, to horrible sleep cycle, lekin I know, wo to 2 hafte aap kehte hain bas guzaro, phir wapas jaake soyenge aur sab kuch karenge, abhi to bas you just, you know, want to do things. But growing up, kya aapke kabhi koi shararat ki ya kabhi kuch kiya जो थोड़ा सा एडवेंचरस, थोड़ा सा एक्साइटिंग था फॉर यू? मतलब नथिंग क्रेजी, लाइक फॉर इंस्टेंस एक दोस्त, अ फ्रेंड ऑफ माइन लाइक दिस गर्ल, शी आल्सो लाइक्ड हिम, नो तो आई वाज हिज बेस्ट फ्रेंड, सो ही इज लाइक यार, यू नो, आई एम टॉकिंग टू दिस गर्ल, लेकिन शी हैजंट मेट माय बेस्ट फ्रेंड, ये कैसे हो सकता है. तो एक दिन हम रात को चले गए उसकी खिड़की के बाहर. अच्छा, अब वो बाहर नहीं आ रही. अब वो रात को 2 बज चुके हैं कि वो आएंगी, हाथ हिलाएंगी, चली जाएंगी. अब वो बाहर नहीं आ रही, हम बाहर खड़े हुए हैं. अब वो एक, हम तीन दोस्त थे, एक वहाँ पर कोई लाइटर से प्लास्टिक जला रहे, कुछ कुछ करने को नहीं है ना, इंतजार करें, घंटा हो गया. तो उसकी खिड़की पे ना पेबल्स मार रहा था ना, छोटे पत्थर उठा के, जो तो वो फिर भी बाहर नहीं आ रही. तो मुझे एक सुराख नजर आया, तो उन्होंने कहा अगर मैं इसके थ्रू कोई चीज़ फेंकूंगा तो आवाज आएगी और वो आ जाएंगी. तो वो सुराख नहीं था, वो शीशा था. तो वो शीशा टूट गया. ओह माय गुडनेस, और इतनी जोर की आवाज आई होगी. हम भागे, फिर बहुत तेजी से भागे कि हम यहाँ से निकल जाए. तो इस तरह की चीजें की, बट अगेन आई वुडंट कैटेगराइज दैट एज मजे की है. हां, वेरी बैड और समथिंग, दीस आर फन. यस यस, वो और लड़की के कंसेंट तो थी ना, आप उसकी मर्जी, ऑफ कोर्स, लेकिन इट वाजंट, यू नो, इट्स नॉट क्रेजी रिबेलियस. मतलब इससे बहुत बुरी कहानियां हमने सुनी नहीं. आई थिंक हम इतने, हम वैसे भी आई थिंक इस पे, इस चैनल पे इतना ही बता सकते हैं, तो हम सही जा रहे हैं बिल्कुल. सो वी आर एट द शमसी स्टूडियो नाउ एंड इतना मज़े का माहौल लग रहा है. मैं तो आई थिंक पहली बार किसी स्टूडियो को विदाउट अ सेट देख रही हूँ. सही, और वो कुछ कटआउट वहाँ पड़ा है, कुछ बाहर कंस्ट्रक्शन हो रही है, सो इट्स इंटरेस्टिंग. आपका एक लम्हा यहाँ शूट हुआ था, नॉट इन दिस वन, इन द सेम स्टूडियो बेसिकली. मेरा नूरी, ओके, ओ नूरी भी यहाँ, सुपरस्टार का जो पूरा थिएटर का सेट था. ओ वाओ, वो इधर इस शमसी स्टूडियो में कहीं हुआ था. ओके ओके, फिर और क्या था, देन वी स्पेंट सो मच टाइम हियर, देन मैं तेरा का सेट यहाँ लगा था, फिर एक लम्हा का सेट यहाँ लगा था, तू के सेट यहाँ लगे थे, हमने तू का जो पूरा डांस सीक्वेंस था गली में किया था. सो वी हैव डन अ लॉट ऑफ वर्क हियर ओवर आई थिंक सिंस अभी 5-6 साल. सबसे पहला सेट किसका था? सुपरस्टार का. सुपरस्टार का यहां पे जो थिएटर का लगा था. बट यू वर नॉट पार्ट ऑफ द वीडियो. आई वाज नॉट द वीडियो, बट इट वाज स्टिल, आई वाज देयर ऑन सेट, आई वाज कमिंग ऑन सेट. एंड आपका वो दूसरा वाला था, वो जो रेस्टोरेंट वाला था, दैट वाज हियर एज़ वेल. मैं तेरा ना, उसमें तो आप खुद भी थे, यू नो. तो वो कैसा लग रहा था जब पूरा सेट आपके अपने गाने का? सो फॉर मी हो गया. व्हाट वाज द फीलिंग लाइक? आई थिंक इट्स द मोस्ट फन थिंग फॉर मी, बिकॉज़ जस्ट
firstly, it's very, I feel at home. Even right now, I've come after a long time. I've grown up on sets. Yeah. The smell of lakdi ka tree, paint. Yeah, you're right. Itni distinct smell hai, but it's not overpowering. It's not. So I'm very used to it. I feel very at home. Yehi smell ek tarike se PTV mein aati thi jab main amma ke saath jata tha as a child. So it's a very familiar smell. And the fact jo ek magic hai na ki aap ek room mein aa sakte hain aur aap kuch bhi bana sakte hain. As you said, humne ek कैफ़े, एक फ्रेंच टाइप कैफ़े जिसका नाम हमने क्वेटा कैफ़े रखा, वो हमने यहाँ पर बनाया. हमने एक थिएटर बना लिया. यू नो, इट्स जस्ट स्मॉल एग्जांपल ऑफ द फैक्ट के पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं. सो आई लव स्टूडियोज़. दिस स्टूडियोज़ प्लेड अ बिग रोल इन माय लाइफ सो फार. ऑलमोस्ट ऑल एवरीथिंग दैट वी डन हैज बीन प्रीटी मच अदर देन परिहट के कुछ गाने यहाँ पर नहीं हुए थे. But otherwise, most of the, you know, it's also, agar main sach bolu, I think it's lucky for me. Yeah. So I will always, first choice will be ke check kare unki dates available hain ki nahi. Shamsi Studios. Yeah. So I think it is, and the management has always been very kind to me. Yeah. Even हमारे साथ भी कल मैंने बहुत emergency मैंने call की थी and he was very accommodating, माशाल्लाह से. And अभी भी आके उन्होंने अच्छा वो कह रहे ये भी कर ले, ये भी कर ले, ये भी. मैं कह रही हूँ ऐसा ऐसा सब देखते हैं, सब करते हैं. सैडली हम थोड़ा लेट पहुंचे हैं तो लाइट बाय ख़त्म हो गई है. फिर भी हम थोड़े से शॉट्स लेंगे, अल्लाह करे कि कुछ अच्छे आ जाएं. तो वो जो इसकी ग्रैंडनेस है ना, वो दिन में ज़्यादा एविडेंट होती है. बट यही इट्स ह्यूज, यू नो. वहाँ पे वो सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जा रहे हैं, वो आई थिंक वो ड्रेसिंग रूम होगा, राइट? मेकअप रूम्स हैं, आई थिंक दूसरा कोई मीटिंग रूम टाइप है. बट आपको लग रहा है कि अभी भी स्टूडियोज का टाइम है, जमाना है? या क्योंकि मैं इतनी आउटडोर शूट्स देखती हूँ, इतनी शूट देखती हूँ कि मुझे ख्याल आ रहा था या घरों में जो होना शुरू हो गई है कि शायद अब स्टूडियोज आउट ऑफ डेट हो रहे हैं. आई थिंक पर्पस फर्क है. सो फॉर इंस्टेंस एंड ऑल्सो डायरेक्टर का विजन क्या है, हाउ दे उनका अपना स्टाइल क्या है. सो फॉर इंस्टेंस डायरेक्टर्स आई हैव वर्कड विद, दे like to build sets so that they can get that exactly jo unke zehen mein tha, you know, to the micro detail they can get it. But then I also know directors who like being on location and feeling the real environment. So it really depends. As I said, for me mere liye bahut ek ghar ghar wali feeling hai, you know. Mera pura bachpan guzra hai ke school se amma ke paas jaun. Amma used to be either on PTV or, you know, somewhere or the other would be on a set. उस वक्त जो फिल्में बनती थी वो भी सेट से बनती थी. उस वक्त इंटरनेशनल स्टूडियोज़ होता था, मैं वहाँ जाता था. वो अब ख़त्म हो गया. या लाहौर में एवेन्यू स्टूडियोज़, बारी स्टूडियोज़. सो इट्स अ वेरी फेमिलियर एनवायरनमेंट टू मी. तो आई फाइंड कि मैं ना चाहते हुए भी आई ट्राई टू कम इनटू स्टूडियो. अभी हम देख रहे हैं, मुझे तो बड़ी फैसिनेट कर रही है वो जो पीछे एक कट आउट पड़ा हुआ है, पता नहीं किसका है. आपको हमेशा इस तरह की चीज़ें मिलेंगी, है ना? क्यूट लगती है. अभी हम बाहर आ गए और सर्दी में मैंने शॉल चेंज कर लिया, दुपट्टे की जगह शॉल ले लिए. अजान तो अच्छे सेट है अपनी स्वेटर के साथ, बट इट्स कोल्ड, हवा चल रही है. और इट्स नाइस, कराची विंटर्स गुड गुड गुड. कराची वालों के लिए सर्दी है, मेरे लिए सर्दी है. बट आई जस्ट वांटेड टू शो यू गाइज, ये पूरा इट्स अ ह्यूज. सैडली हम देर से पहुँचे हैं तो हम दिन की रोशनी में इसको नहीं कैप्चर कर पा रहे हैं जो इसका एसेंस है. बट स्टिल यू नो, यू कैन सी कि कितनी बड़ी जगह है और उधर क्या क्या हो रहा है. अच्छा अजान, लास्ट टाइम हम मिले थे जी, हमारी वो मोहब्बत पे बात हो रही थी. सो अजान की एक्सप्रेशन, मैंने इंटरव्यू के शुरू में कह दिया था कि मैं कोई सीरियस जवाब नहीं देने वाला हूं, तो सॉरी सॉरी पूछिए. आप तो सीरियस जवाब दे रहे थे, मैंने कहा था थोड़े लाइट हार्टेड जवाब भी दें. नो, यू सेड समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग लास्ट टाइम ना. यू सेड कि आपको सोचना है कि क्या मोहब्बत जिससे आप करें या मोहब्बत का प्रोसेस है वो आपको एक बेहतर इंसान बना रहा है या नहीं बना रहा. So I know it's not been long, but मुझे लगता है कि I see you more evolved. I see you going on life with a different, you know, motivation. So has it changed? कुछ evolve हुई है definition? कुछ change हुई है? वो ही है क्या है? I don't know उसकी वजह क्या है. Yeah. But I think as you grow older, you know, you look at things differently. Yeah. Now when I listen back के जो मैंने पहले चीजें कही थी, मुझे अपना आप बहुत चीज़ी और स्टूपिड लगता है. नहीं, you said something very nice. I thought that was such a great thing, you know. But I think, yeah, I feel good, alhamdulillah. I feel good and I'm excited about the work I'm doing.
हम कोई और बात कर रहे थे अजान, यू कांट गेट अवे, हम लव की डेफिनेशन की बात कर रहे थे. वो तो मैंने दे दिया था, वो आपके पास मौजूद है. तो आई एम आस्किंग, वो वही है या चेंज हुई है कुछ, उसमें कुछ एडिशन हुआ है, कुछ सबट्रैक्शन हुआ है, क्या हुआ है? आई थिंक एज आई सेड आई फील गुड, आई फील क्लियर इन माय माइंड कि मुझे क्या करना है. ओके, एंड आई थिंक दैट्स इन टर्म्स ऑफ लव, इन टर्म्स ऑफ लाइफ, इन टर्म्स ऑफ जनरली आई फील क्लियर, एंड आई थिंक दैट्स अ गुड थिंग. ऑफ कोर्स दैट्स अ वेरी गुड थिंग. बट what sort of a person, मतलब commitments जो होती हैं जब you've gone through a certain, you know, life event, हम सभी ऊपर नीचे चीज़ें देखते हैं ज़िंदगी में. कभी कभी ऐसा होता है कुछ चीज़ों के बाद हम थोड़ा सा डर जाते हैं, एंड यू नो वी फील कि हम थोड़ा सा commitment से शायद डरते हों. सो what sort of a person are you कि है डर लगता है दोबारा commitment से, या you are that die hard, romantic and hopeful sort of a person? I've never been somebody who is ever afraid of committing to anything. Okay. Not just romantically, to anything. If I'm clear about it, if I'm sure about it, to wo mujhe wahan tak lana thoda mushkil hota hai ki where I'm like, haan, theek hai, jab zehen ban gaya, tab then I'm good, you know. To I don't, aise nahi hai ki, haan, ye zarur hai ki experiences se insaan koshish karta hai ki आप वही गलतियाँ दोबारा ना करें. सो दैट इज़ देयर. लेकिन नॉट, आई थिंक बहुत बेवकूफ़ाना बात होगी मेरे लिए अगर मैं कुछ फैसले या कोई भी चीज़ उस नज़र से देखूं कि पहले ये हुआ तो अब मुझे करना ही नहीं है. यू नो एनी थिंग, वेदर इट्स रोमांटिक, वेदर इट्स एनी दोस्त के साथ रिलेशनशिप, रोमांटिक रिलेशनशिप, एनी थिंग, प्रोफेशनल रिलेशनशिप, जिंदगी का हिस्सा होते हैं. एंड You can't just say कि अब मैं दोस्ती नहीं किसी से करूँगा क्योंकि मेरी एक दोस्त से लड़ाई हो गई. Yeah, true, you know, very true. That's not right. लेकिन जब ज़िंदगी में इतने बड़े कोई वाकयात हो जाते हैं, तो do they change you deep down? I think आपके आपके character को test करते हैं. And I really believe that मुश्किल वक्तों में आपका जो जब character test होता है, उस वक्त जो फैसला करते हैं. Yeah. वही आपकी इंसानियत डिफाइन करता है. यू नो अच्छे टाइम पे अच्छा होना थोड़ा आसान होता है. ट्रू. सो इफ यू आर एबल टू यू नो कम थ्रू एज अ विद अ गुड कैरेक्टर इन योर पर्सनालिटी, तो फिर अल्लाह ताला चीज़ें आपके लिए आसान करना शुरू कर देते हैं. एंड आई थिंक वही आजमाइश होती है. आई एम ग्रेटफुल दैट इन एनी सच सिचुएशन आई हैव बीन थ्रू द पीपल अराउंड मी and otherwise were chose to make the right decision. Yeah. And uska I'm happy that I God has been kind to me. Acha mujhe bataye ek 20 saal ka ladka ya ladki, especially ladkon ko, from a guy's point of view, aap kya advice karenge jo zindagi mein thoda lost ho, emotional ho, you know, if you look back, shayad aap sochte ho mujhe ye advice kisi ne ki hoti to thoda shayad behtar hota, kuch hai aisa zehen mein idea aata hai? I think agar wo lost hain to इस वक्त अल्लाह ताला ने उनका लॉस्ट होना लिखा हुआ है. ये क्या डीप बात बोली आपने. आई नेवर थॉट दैट. नो नो, आई जेन्युइनली मीन इट. आई एम लाइक दैट्स. नो, आई एम आल्सो थिंकिंग यस, मे बी लॉस्ट होने का प्रोसेस होगा जिससे आप रास्ता ढूंढ रहे हैं. बिल्कुल, बिकॉज़ व्हेन आई थिंक अबाउट माय ओन लाइफ, मैं पुराने अजान को जाके कोई भी ऐसी बात नहीं बोलूंगा चेंज करने के लिए, क्योंकि फिर मैं आज यहाँ पर नहीं हूँगा. जहाँ पर भी हूँ, मेरी तकदीर में लिखा हुआ है कि मैं आज यहाँ हूँ. एंड तो आई थिंक मैं कोई नहीं हूँ किसी को मशवरा देने के लिए. इफ somebody is going through something, that's they need to go through it. So आप बिलीव करते हैं कि ज़िंदगी में जो हो रहा है वो प्रोसेस होना ज़रूरी है, उसी से आप नेक्स्ट स्टेप पे पहुँचते हैं, उसके बगैर आप पहुँच नहीं सकेंगे? आई थिंक वट एवर वी आर गोइंग थ्रू, उसमें अल्लाह ताला की कोई मसलियत है. एंड वो चाहे मुश्किल हो, चाहे आसान हो, अच्छा अच्छी चीज़ हो, बुरी चीज़ हो, वो कोई, मैंने हमेशा इसमें सुकून हासिल किया है कि मैं खुद को हमेशा पूछता हूँ कि अल्लाह ताला क्या मुझे बताना चाह रहे हैं या क्यों ये हो रहा है मेरे साथ. एंड इसी सिचुएशन में मैं क्या सही फैसला क्या होगा. सो आई थिंक देर इज़ एक ग्रैंड प्लान तो है. ऑफ कोर्स ग्रैंड प्लान था, उसके बगैर तो हम सब एग्जिस्ट भी नहीं कर रहे होते हैं. और हम सब के लिए इंडिविजुअल ग्रैंड प्लान है, मुझे लगता है उनका अपना एक दुनिया के लिए, फिर हम सब इंडिविजुअली. दुआ को कैसे देखते हैं आप? व्हाट्स द सिग्निफिकेंस ऑफ दुआ एंड यू नो होप, उम्मीद? यू नो कुछ लोग होते हैं वो
वो कॉन्स्टेंटली अल्लाह से कन्वर्स कर रहे होते हैं, उन्हें लगता है कि ज़रूरी नहीं कि जब सजदे में ही जाएं तो वो करें, वो छोटी सी भी बात पे शिकवा भी करेंगे, बात भी करेंगे. कुछ होते हैं जो कहते हैं नहीं यार, एक तरीका है बात करने का, एक ख़ास तरीके से ही हम कम्युनिकेट कर सकते हैं. सो आई हैव कम अक्रॉस डिफरेंट पीपल विद डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज़. मुझे बड़ा फैसिनेट करता है जब मैं उनका पॉइंट ऑफ व्यू दुआ या अल्लाह से कनेक्शन के बारे में सुनती हूँ या बात सुनती हूँ कि वो कैसे अल्लाह से कम्युनिकेट करते हैं. सो जस्ट वंडरिंग बिकॉज अभी आपने जो बात बोली shows me you have a very different kind of relationship with Allah. So I don't know, I think, you know, I grew up in a household jahan I was taught to believe. You know, main apni zindagi ki bahut sare waqiat situations ko agar mud ke dekhu to wo khuda ke karam ke bagair main unse nikal nahi pata. Okay, you know, and not just my own, mere kareebi logon ke कि आप वो मिरेकल से कोई कम नहीं है चीज़ें, यू नो. सो व्हेन आई सी दैट आई नो के खुदा है. आई बिलीव दैट देयर इज समबडी हु इज ऑल नोइंग, ऑल क्रिएटिंग. तो दैट इज माय बिलीव. एक ऐसी मेरे जहन में बात आती है, यू नो, व्हेन पेरेंट्स आर टुगेदर तो रिलेशनशिप्स जो होती है ना बच्चों के साथ, वो काइंड ऑफ बटी हुई होती हैं. देयर सर्टेन थिंग्स दैट यू लाइक, मैं नहीं भी करूँ तो दूसरा पार्टनर कर लेगा. बट व्हेन यू बिकम अ सिंगल पेरेंट, क्या ऐसा होता है कि then it becomes a individual relationship jahan aap ye fayda nahi utha sakte because you know ke ye ab mera aur bacche ka ek individual taluq ho gaya hai, to kya relationships behtar ho jati hain? You become more friendly, you become, you know, better at communication, how does that work? I think isko hum us lens se agar na dekhe, at least I don't look at it from the lens of ke my relationship with my children should be different based off the marital status of the parents. main to natural process ki baat hai, how it goes. Maybe I'm saying I feel I'm very very blessed and lucky ke in my situation I don't have to think about it, you know. Alhamdulillah, I'm with my kids how I would be with my kids. Okay. Theek hai, they live in a different country. Hum apne time manage kar rahe hote hain back and forth. But I think a relationship of a parent with a child is, ek to aapko apna banana hota hai. True. Koi mold nahi hai ki aapne yun follow karna hai. Bilkul. In many ways aap jo, you know, I know ke I will parent similar to how my parents parented me. Yeah. Or, you know, in my case a lot, my mom parented me. तो आई विल फॉलो दोज थिंग्स एंड देन अपनी भी आप कुछ चीज़ें बनाते हैं, यू नो, पीपल हु यू सीन. लेकिन आई हैव नेवर थॉट ऑफ इट लाइक दैट कि यू नो मुझे कोई फर्क तरीके से अप्रोच करना है फॉर एनी रीजन. नहीं, ऑफ कोर्स मेरा मतलब ये था कि एक नेचुरल, वो एक चीज़ नेचुरल हो रही होती है. ऐसा नहीं होता कि आप जानबूझ के या यू आर पुटिंग एन एक्स्ट्रा एफर्ट. You are how you are, you know. You're not going to pretend or try to be something that you're not. And wahi relationship aapki tabhi naturally growth hai. Thank you so much for your time. Thank you for having me. After, because of this, I got to come back here after a while. So many years. Yeah. Kitne saal ho gaye? I think 1.5 saal hue. But abhi andar se na ek khujli ho rahi hai ki ab kya kare next. Kuch banaye. Jo yahan shoot kar rahe hain. Yahan shoot kar rahe hain, bilkul. Aur ek billi guzri. Bye guys, thank you.